में धारा 14 के तहत, धारा 16 के तहत, धारा 21 के तहत इनको जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया है। और मैं बहुत परमात्मा के प्रति भी शुक्रगुजार हूँ, और बहुत से ऐसे समाजसेवी लोग भी हैं और देश की कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जिन्होंने इनके मौलिक अधिकार को समझा है, परखा है, और इनको सरकारी नौकरियों में भी, अभी हमने देखा कि टाटा स्टील में भी इनको नौकरी मिली है, कुछ पुलिस में भी नौकरियां मिली हैं, और यहाँ तक कि राजनीति और लोकतंत्र में भी हम शबनम मौसी को माननीय विधायक के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। और हमने छत्तीसगढ़ में एक हमारी थर्ड जनरल को मेयर के रूप में भी स्वीकार किया है। यहाँ तक कि समाचार पत्र और पत्रिका और न्यूज़ चैनलों में भी एक बड़े एंकर के रूप में भी हमारे समाज ने मान्यता दी है। तो मैं ये मानता हूँ कि शरीर से हो सकता कि ये थोड़े अधूरे हो सकते हैं, लेकिन हृदय की पवित्रता और मस्तिष्क की गहराइयों में और मस्तिष्क के बोध में ये आम नागरिकों में बिल्कुल उसी तरीके से है जो आम नागरिकों की प्रतिभा होती है, उनकी समृद्धि होती है, उनके काम करने की दक्षता होती है, जीवन जीने की शैली होती है, और उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने की जो क्षमता होती है, मैं समझता हूँ वही क्षमता है। और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि इनके जो हक और अधिकार हैं और इनको कैसे हम समाज में समायोजित करें, समाज के लोग इनको कैसे अपनाएं, इसके लिए मैं समाज के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आया हूं और इनका उत्साहवर्धन करने के लिए आया हूं कि इनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, दक्षता है, और इनको अवसर मिलना चाहिए। एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। आपके अंदर योग्यता है, हुनर है, प्रतिभा है, वो तब तक बेकार है जब तक दिखाने का मौका नहीं है। तो सरकारों को भी चाहिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा इनका, और मैंने बीच बीच में इन लोगों ने कई बार हमसे संपर्क किया है कुछ कुछ बातों को लेकर, मैंने हमेशा उन बातों को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लिया है। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा कि थर्ड जेंडर के